लिए चाय नाश्ता लाओ। आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कल रात से हमारे घर में पानी नहीं आया है। तो अब मैं नहाऊंगा कैसे? मत नहाओ, या फिर दफ्तर जाके नहाओ। अरे नहीं नहीं, एक बार दफ्तर में नहा के बाहर निकला तो सबको पता चल गया कि मेरे सीने पर बाल नहीं है और सबने मेरा विश्वास करना छोड़ दिया। क्यों? अरे किसी ने कहा है कोकी के जिसके सीने पर बाल नहीं होते उसका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कोकी? तुम्हारे सीने पर बाल होते भी ना तो भी मेरा तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। पानी का क्या करें? अरे घर में सिर्फ आधा बाल्टी पानी है, चिंटू उसमें नहा रहा है। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। तू तैयार भी हो गया? तूने बाल साफ नहीं किए? डैडी पानी खत्म हो गया। आ तो टॉवल से पोंछ लेते। रहने दो ना डैडी, वैसे भी हमारी टीचर को बाल खींचने की बहुत बुरी आदत है। पानी का कुछ करो कोकी। अरे मैं क्या करूँ, तुम जाकर पूछ लो पड़ोसियों से कि एक हाथ बाल्टी पानी मिलेगा क्या। ये काम मेरा नहीं है। तो फिर रहो ऐसे ही। कहाँ जा रही हो? मैं दिलरुबा जी को पूछने जा रही हूँ कि उनके यहाँ पानी की पोजीशन क्या है। ओके। अरे फिर तो प्रेमा जी भी बालकनी में आएगी, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिलरुबा जी, आपके यहाँ पानी आया है? कोकी जी मैंने चेक नहीं किया, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमारे यहाँ कल रात से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। डोंट वरी कोकी जी, डोंट वरी, मैं हूँ ना। थैंक यू। मैं अभी आपके यहाँ बाल्टी दो बाल्टी, टब दो टब, टैंक दो टैंक पानी छुड़वा देता हूँ। तुम्हारे कोकी जी के साथ सिलसिला अभी तक जारी है क्या? व्हाट यू मीन, उनके यहाँ कितनी प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है पत्ते। तो तुम क्या उनके प्याऊ बनोगे? प्याऊ? व्हाट इज दिस प्याऊ? पानी दिलाने वाला। कम ऑन डॉल, कम ऑन, किसी को टैंक दो टैंक पानी देने से कोई आदमी प्याऊ नहीं बन जाता। शट अप, मैं जानती हूँ तुम अभी तक कोकी जी पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हो। उसकी क्या जरूरत है, शी इज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। अच्छा हटो, मुझे पौधों में पानी देना है, नलका तो खोलो जरा। उसकी क्या जरूरत है, मैं इसको यहीं से ऑन कर देता हूँ ना, ये देखो। देखा देखा केशु कैसे जला रही है मुझे प्रेमा जी। लेकिन उनके यहाँ पानी कैसे आ रहा है? लगता है उनके विंग में अलग लाइन से पानी आता है। चलो चलो। नहीं तुम जाओ, मैं आता हूँ। अरे चलो डॉल, ये तो हाँ भी हो गई, हमारे यहाँ पानी की इतनी मारा मारी और ये गार्डनिंग की क्या अता ठहरी तुम्हारी। अरे वाह, अरे वाह, आना उधर से, के शेर मारा है, के शेर मारा है। कोकी जी डॉल, डॉल तुमने बाथ ले लिया क्या? नहीं अभी तो मुझे थोड़ा वक्त है। क्यों? तो फिर ये अंदर इतनी भद्दी आवाज में इतने गंदे गंदे गाने कौन से गा रही हो तुम? डियर मैं अंदर नहीं बाहर हूँ। पर अंदर कौन है? केशव जी। केशव जी? और मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है वो? नारायण है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, उनके घर में पानी नहीं था, मैंने कहा आप हमारा बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिए। डॉल दिस इज टू मच, डॉल दिस इज टू मच। कोकी जी को देने के लिए तुम्हारे पास दो मग्गे नहीं है पानी के, और इसको तुमने पूरे का पूरा बाथरूम उठा के दे दिया। केकड़े केकड़े बाहर निकल, बाहर निकल मैं कहता हूँ। अरे दिलरुबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाह वाह, मेरा घर, मेरा बाथरूम, मेरा टॉवल, और पूछ रहे कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ठीक है। अच्छा प्रेमा जी मैं चलता हूँ, कल फिर से नहाने के लिए आ जाऊंगा। okay. okay. तेरे बाल। अबे सुन, ये टॉवल कब वापस करेगा? अभी ले ले। ले लीजिए। ओके चलिए चलता हूँ। ओके तेरे गाल की मस्ती। टॉवल ले लेती ना, अब वो टॉवल देने के बहाने कल फिर से नहाने आएगा। छी कैसे टॉवल ले लेती? कोकी कोकी, नाश्ता लो ना। ये लो। कितनी देर लगाती हो? चुप। और ये पानी लो, इतना ही पानी है, चम्मच से पीना। अरे आधा ग्लास ही तो है पानी का, और आज तुम पानी के लिए इतनी कंजूस क्यों हो रही हो? ये पानी जो तुम पी रहे हो ना, वो भी दिलरुबा जी की मेहरबानी से। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, बेचारे दिन भर अपने घर से एक एक बाल्टी पानी हमें सप्लाई कर रहे, वो भी प्रेमा जी के आंख चुरा कर। ये बात है, दिलरुबा के बच्चे के इस एहसान के लिए एक दिन मैं उसे तालाब में फेंक दूंगा, याद रखना। चुप करो केशु, नाश्ता खा लो और जल्दी खा लो, नहीं तो कोई मेहमान आएगा और जबरदस्ती मुझे कहना पड़ेगा आप बैठिए ना खाइए ना। नहीं खा लेता हूँ, खा लेता हूँ। आया कोई मेहमान, मेरा एक बड़ा गया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
आइए आइए सर आइए। तुम नाश्ता कर रहे हो? आइए आप भी बैठिए ना, मैं आपके लिए लाती हूँ। बैठिए ना सर, बैठिए ना, बैठिए सर। क्यों बे भिख मांगे? तू तो कह रहा था कि घर में पानी नहीं है और यहाँ नाश्ता चबा रहा है तू। सर जी मैंने ऐसा कहा था कि घर में पानी नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा था कि घर में खाना भी नहीं है? आपको अगर नाश्ता करना है तो बैठ के कीजिए, लेकिन अगर आपको पानी पीना है तो आपके घर में जाकर पीना पड़ेगा। नहीं बैठो, ये पानी पियो। अरे क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या बचपना है सर, आप थोड़ा सा भी सब्र नहीं कर सकते? अरे क्या कर रहे क्या मुझे आंखें दिखा रहा है तू? अरे सब कुछ दिखाऊंगा, आंखें दिखाऊंगा, ये मेरा घर है, मैं इस घर का बॉस हूं, समझे? सिट डाउन, सिट डाउन हियर। तो बैठ जाओ फुल। बैठो यहाँ, अभी आपके लिए दाना पानी लेकर आता हूँ। दाना पानी? कहीं मुझे घोड़ा तो नहीं समझ रहा है कमबख्त। कुकी जाओ, तुम्हें गंगा मौसी बुला रही है। गंगा मौसी बुला रही है? लेकिन मैंने तो आवाज नहीं सुनी। नहीं वो पानी ना पीने से कभी कभी ऐसा हो जाता है। आ रही है, आ रही है गंगा मौसी। अरे लेकिन नाश्ता मैं दूंगा ना। अच्छा अच्छा जा। शर्मा जी आप बैठिए, केशव आपके लिए नाश्ता ला रहा है। ओके ओके, केशव मेरे लिए नाश्ता ला रहा है? धान में कुछ काला लगता है, देखो तो। आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता हाजिर है। अरे कोकी जी को तो आने दो, आ जाएगी। आप शुरू कीजिए सर, शुरू कीजिए। शर्मा जी मैं आ गई। आ गई, आ गई। केशव क्या है, गंगा मौसी के घर को तो ताला लगा हुआ है। नहीं वो क्या हुआ कोकी, तुम्हारे जाने के बाद फिर से गंगा मौसी की आवाज आई। हाँ? मैंने नीचे देखा तो नीचे एक भैंस खड़ी थी, वो चिल्ला रही थी। और मजे की बात ये है कोकी, वो भैंस भी गंगा मौसी की तरह ही दिख रही थी। चुप करो और खाना शुरू करो। सर आप लीजिए ना। लीजिए ना सर। कोकी जी एक बात पूछना चाहता हूँ, ये पेंटिंग किसने बनाई है? पेंटिंग ये केशव के एक दोस्त ने हमारी शादी की सालगिरह पर दी है ना केशव? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी पेंटिंग है। सर शुरू कीजिए ना। सर शुरू कीजिए। क्या बढ़िया नाश्ता है, ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता केवल कोकी जी आप ही बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। केशव देखा तुम मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं करते हो। इसमें अकल थोड़ी कम है ना। चलो शुरू करो अभी। आपको कुछ नहीं हो रहा सर? अच्छा नहीं खा रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं खाता हूँ। बोलिए। कमाल का आदमी है। कब से बोले जा रही हो हमारे यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। आप कहाँ रहते? गोदावरी एविंग जूस की। गोदावरी? अरे निरकुटे जी साहब, तू गोदावरी सोसाइटी के आजू बाजू में ही रहता है ना? हाँ उसके बाजू वाली चौपरपट्टी में। तो तुम्हारे यहाँ पानी है? हमारे तो पानी पानी है। सुना आपने? सुना झोपड़पट्टी में पानी है और हमारे यहाँ पानी नहीं है। वो क्या है मैडम, आपके यहाँ का पानी का पाइपलाइन हमारे यहाँ फूटा हुआ है। सुना, सुना आपने वो क्या कहकर गया? सुना एक मिनट, गोदावरी अपार्टमेंट ना, आपके यहाँ प्रेमा शालिनी नहीं रहती है? हाँ, रहती है, लेकिन उसके यहाँ पानी है। बराबर है, उनका बी विंग है, आपका ए विंग है। उनका पाइपलाइन अलग है, आपका पाइपलाइन अलग है। उनका वार्ड अलग है, आपका वार्ड अलग है। आप दूसरे वार्ड में जाइए। देखिए मिस्टर, सुबह से म्यूनिसिपैलिटी के सारे वार्ड छान मारे हैं। अरे यहाँ तक कि हॉस्पिटल के वार्ड भी छान मारे। देखिए मैडम, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। भूख हड़ताल? वेरी गुड वेरी गुड, आजकल सब करते हैं भूख हड़ताल। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ अलग करेंगे। क्या? हम प्यास हड़ताल करेंगे। प्यास हड़ताल? गंगा मौसी चलो, मैं आज से प्यास हड़ताल करूंगी। प्यास हड़ताल? वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया, प्यास हड़ताल।
गोखले गोखले, ये पानी की प्रॉब्लम ने तो मुझे परेशान कर रखा है। केशव तुम जरा दूर रहो यार। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी बदन से मछली की बू आ रही है। अरे हाँ, वो क्या हुआ गोखले? आज सुबह सुबह मैं समंदर में नहाने के लिए चला गया था ना केशव। हाँ। जब तक तेरी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हाँ, बेहतर है तुम समुद्र में ही रहो। अरे वो पॉसिबल नहीं है गोखले, वहाँ चौपाटी के मच्छरों ने मुझे वार्निंग दे दी है। क्या? कि आइंदा यहाँ नहाने के लिए आए तो हम फोड़ डालेंगे। क्यों? अरे उनका ये कहना है कि मैं वहाँ नहाने के लिए जाता हूँ तो मछलियाँ शर्मा के भाग जाती है। मछलियाँ भाग जा। अरे भीख मांगो, भीख मत मांगो, काम करो। अच्छा। काम करो। क्या बात है शर्मा साहब, ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? क्या है गोखले, कि हमने अपनी बाई आंख का ऑपरेशन करवाया है। लड़कियों को मारते फिरते हैं ना। नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मिस्टर केशव कुलकर्णी। यस सर। हमने सुना है कि तुम्हारी बीबी ने प्यास हड़ताल की है। हाँ की है, आपको क्या है? मैं बीबी को कंट्रोल में नहीं रख सकता, चुल्लू भर पानी में डूब मर। आज चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला था, लेकिन डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी तो चाहिए। अबे तेरे से ठट मैं हूँ। अच्छा। मेरी बीबी मेरी बिना आज्ञा के घर के बाहर कदम नहीं रखती। हेलो हेलो, बबलू जी है? ओ मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा, मुझे मैं गोखले बोल रहा हूँ। मिसेस शर्मा, मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। अरे एक मिनट देख रहा है। केशव जी आप बहुत शरीर हो। कितनी बार तुमको समझाया डार्लिंग कि तुम उस थर्ड क्लास आदमी से बात मत क्या करो। मैं बबलू बोल रहा हूँ, बबलू बोलो क्या बोलना है तुमको। एक मिनट सर। हेलो। नहीं कुछ नहीं, बात कीजिए। हेलो। एक मिनट सर। हेलो। क्या है? नहीं बात कीजिए। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। क्या? हेलो सर, आपकी मिसेस से कहिएगा मैं बाद में फोन करूंगा। हेलो। लफंगा कहीं का दूसरों की बीबी से बात करता है। हेलो। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना कि वो कुलकर्णी इधर उधर करता है ना बात को, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। सुनो बबलू, मैं कोकी जी के साथ प्यास हड़ताल पर जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो पानी है, फिर तुम क्यों जा रही हो? आ रहा है, बराबर है, लेकिन उनकी सहेली होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि उनके साथ मैं प्यास हड़ताल करूँ। और सुनो, देखो एक प्यून के साथ वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भेज देना। बाय कुलकर्णी, मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा। अरे वाह, क्यों, मैंने क्या किया? अरे मेरी बीवी भाग गई। ओ, किसके साथ? नौकर के साथ? अरे नहीं सच्चे, तेरी बीवी के साथ। मेरी बीवी के साथ? सुनो अब एक काम करो, मेरी बीवी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके जाओ। मैं क्यों लेके जाऊँ? क्योंकि उसने कहा है कि मेरे लिए प्यून के हाथ से कोल्ड ड्रिंक भेज देना। अच्छा कोई बात नहीं, पैसे लाइए। कहा के पैसे पे हड़ताल तेरी बीवी करे और पैसे मैं दूं, भीख मांगा कहीं का। हेलो। ओ मिसेस शर्मा, कैसे हैं आप? इधर ला। एक मिनट एक मिनट, आइए रखिए। हेलो लाजो, तुम नहीं गई ना? वेरी गुड वेरी गुड। लाजो लाजो, अरे कहाँ मैं गई तू? लाजो कोकिला कुलकर्णी। कोकिला कुलकर्णी जिंदाबाद। कोकिला कुलकर्णी जिंदाबाद। महिलाओं, ये आप लोगों का सद्भाग्य है कि कोकिला जैसी महान महिला आपके बिल्डिंग के ए विंग में रहती है। तालियां। जब से इन्होंने हड़ताल की है तब से इन्होंने पानी की एक भी बूंद को स्पर्श नहीं किया है। तालियां। इसलिए मैंने आप लोगों की ओर से इन्हें प्रॉमिस किया है कि जब तक ये स्ट्राइक पर रहेगी तब तक हम उनके साथ हैं। हाँ। और जब तक ये पानी नहीं पिएगी तब तक हम पूरे जोर के साथ इनके साथ हैं। कोकिला कुलकर्णी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा ये लीजिए, मैं आपके लिए ठंडा लाया हूँ। थैंक यू केशव जी, आप बड़े वो हो। और कुछ चाहिए? पाव वड़ा, इडली सांभर। यस कोकी। एक्सक्यूज मी। यस कोकिला, क्या है बोलो? तुम क्या कर रहे हो केशु? यहाँ मैं प्यास हड़ताल पे हूँ और तुम महिलाओं को कोल्ड ड्रिंक सप्लाई कर रहे हो? क्योंकि प्यास हड़ताल पर तुम हो, मिसेस शर्मा थोड़ी है। लेकिन तुमने क्या पढ़ी है उनको कोल्ड ड्रिंक देने की? क्योंकि हमारे बॉस ने कहा कि उनकी मिसेस जो है पी उनके हाथ से ठंडा पीना चाहती है, इसलिए तो मैं आया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे लिए लाऊं? कुछ कहा? नहीं बेटे, मैं प्यास हड़ताल पे हूँ ना। अरे मम्मी, मैंगो जूस है। तू जा अभी यहाँ से, नहीं तो आन जाने में मैं वाकई एक सीप मार लूंगी।
किसी का ध्यान नहीं है, चल इसे ले लो। तो भी जाता है कि नहीं? कोकिला कुलकर्णी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। देव देव या डॉल, तुम्हारी कोकी जी तो बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हैं। अच्छा, वो कैसे? इतनी सारी पब्लिसिटी जो हो रही है उनकी पेपर्स में, ये देखो कोकिला कुलकर्णी की प्यासी दास्तान। ओह माय गॉड, उनकी फोटो भी छपी है। देव एक बात बताओ, क्या कोकी जी वाकई में पानी नहीं पी रही हैं? कुछ भी नहीं पी रही हैं। कल मुझे कह रही थी कि दिलरुबा जी मेरा गला बहुत सूखा है। ओह, तो थोड़ा और सुखा देते हैं उनका गला। कैसे? ऐसे सिटी मारो। नहीं नहीं मारूंगा। सिटी मारो। नहीं मारूंगा, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। मार लो, लेकिन वो मर रही है इसलिए मैं नहीं मारूंगा। ऑलराइट देन। डॉल, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। उनके सामने बजा के अपने पानी की बीन, यू आर बीइंग सो वेरी मीन। अरे वाह वाह डॉल, क्या शेर मारा है, क्या शेर मारा है? क्या बेल मारी है? वो देखिए प्रेमा जी क्या कर रही है। हाय डॉल, कुछ जर्नलिस्ट आए हैं, कह रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू लेना है। तुम्हारा इंटरव्यू? वही मैंने कहा कि मेरा लेकर क्या करोगे? प्रेमा की बच्ची, वक्त आने पर तुझे भी देखूंगी। नमस्ते प्रेमा जी। हेलो प्रेमा जी, पहला सवाल, अमेरिका से आप कब लौटी? एक हफ्ता हो गया लौटे हुए मुझे। I came in last Sunday, you know, लिख लीजिए। अमेरिका से आने के बाद आपने कौन कौन सी फिल्में साइन की? अभी कहाँ साइन की, एक भी ऑफर नहीं है। ऑफर तो बहुत है लेकिन साइनिंग अमाउंट नहीं आया। लिख लीजिए। ये लिख लो। कहाँ से लग रहे हैं? कुछ बात नहीं है, हमारे पड़ोसियों के घर में पानी चला गया, बस हड़ताल शुरू कर दी। स्टूपिड पीपल यू नो। पानी के लिए हड़ताल? हाँ, हमारी पड़ोसन है कोकिला कुलकर्णी, बड़ी अच्छी है, उन्होंने पानी के लिए हड़ताल की है, बड़ी अच्छी है। भूख हड़ताल नहीं है, पानी की हड़ताल है, बड़ी। अच्छा, हम चलते हैं। क्यों? अब हम कोकिला कुलकर्णी का इंटरव्यू लेंगे। लेकिन क्यों? बड़ी अच्छी है। ओके ओके। क्या है? तुम्हें कोकी जी के हड़ताल के बारे में बक बक करने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता था कि ये फिल्मी पत्रकारों को और बातों में भी इंटरेस्ट होता है। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कोकी जी के पंडाल में। कोई जरूरत नहीं, सिट डाउन, सिट डाउन। कोकिला, कुछ जर्नलिस्ट आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। कोकिला जी, पहला सवाल, आप कितने दिन तक ये हड़ताल करेंगी? जब तक हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता ये हड़ताल जारी रहेगा। इस कोकी की बच्ची ने मेरी सारी पब्लिसिटी छीन ली, मैं इसे अच्छा मजा चखाऊंगी। क्या ये सारी महिलाएं आपके साथ हड़ताल करेगी? जी बिल्कुल। हाँ। ये सारी महिलाएं मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ। What the hell? What the hell are you doing? पीड़ित महिलाओं मेरी बात सुनो, जिस जिस पीड़ित बहन को पानी चाहिए हमारे घर से आगे बाल्टी पर बाल्टी ले सकते हैं। अरे प्रेमा जी, मैं हारी नहीं हूँ, मैं अकेले भी लड़ सकती हूँ। डॉल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये सामने वाली जो महिला है ना, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हाँ। वो चाहती है कि मैं मेरा हड़ताल तोड़ दूँ। देखा दे, मैंने कोकी जी की प्यास हड़ताल पर फूट डालकर कैसे पानी फेर दिया। कोकी, कोकी, अरे पहना है, सब कुछ पहना है। कोकी हड़ताल बंद करो, देखो पानी आ गया। जैसे ही पानी आया मैंने आधा ना लिया, अब आधा घर चल के नहाते। चलो 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 गंगा नहाते चलो। ये पॉइंट है कि हमारा हड़ताल कामयाब हो गया। शुक्रिया, थैंक यू। देखा प्रेमा जी, मेरा हड़ताल कामयाब हो गया। देव, तुमने सीटी मारी क्या? बिल्कुल नहीं। जोर से मारो। ओके, ये
पानी गया। ओह नो। ओह ये।